टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने आपको डबल कार में, जिनमें पहले या पूर्व शब्द आता था या पश्चात या बाद में आता था, दोनों का अलग अलग बता चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि मान लो वही सेंटेंस हमारे निगेटिव हो जाएं, अगर वही सेंटेंस हमारे निगेटिव हो जाएं तो फिर क्या करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह हमें करना है। अगर मान लीजिए पहले या पूर्व शब्द आएगा तो फिर हमें क्या करना है, जो भी बाद में लिखा रहेगा उसे हमें पहले करना होगा, उसी में हमारा नाट लगेगा। ठीक, तो जैसे देखिए पहले या पूर्व शब्दों वाले के लिए स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये है। इसे जैसे हमें इस स्ट्रक्चर से चेंज करना है, तो जैसे कह दिया जाए जैसे लिखा है, मोहन के खाना खाने से पहले राम हॉकी नहीं खेल चुका था, तो इसे हमें करना है मोहन के खाना खाने से पहले। देखो अगर निगेटिव सेंटेंस में हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर वो हमारा रॉन्ग हो जाया करता है, क्योंकि इसमें क्या बताया जाता है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पहले करेंगे पहले वाले वाक्यों में। अगर मान लीजिए वाक्य में पहले अपूर्व शब्द आता है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पहले करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें अगर हम देखेंगे मोहन के खाना खाने से पहले राम हॉकी नहीं खेल चुका था, यानी अगर इसे देखा जाए तो ये कार्य पहले हो रहा है कि मोहन ने खाना पहले खा लिया बाद में राम हॉकी खेल चुका था, तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा नहीं वाले में। सीधे से अगर मान लीजिए निगेटिव है हमारा, तो सीधे से हमें क्या करना है, चाहे निगेटिव चाहे अफर्मेटिव चाहे इंट्रोगेटिव हो, पहले या पूर्व शब्द के बाद में जो कुछ आता है उसे हमें पहले करना होता है। तो पहले के बाद में क्या लिखा है, राम हॉकी नहीं खेल चुका था, तो इसे हमें पहले करना है कौन हॉकी नहीं खेल चुका था, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए हैं कि क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करने से सब्जेक्ट मिलता है और क्या या किसे का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट मिलता है। तो कौन हॉकी नहीं खेल चुका था, राम, और राम क्या नहीं खेल चुका था, हॉकी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, खेलना हमारी वर्ब है, तो इसे जब करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ हमें क्या लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब हैड हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हॉकी, राम हैड नॉट प्लेड हॉकी। बिफोर, पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, फिर क्या है, मोहन के खाना खाने से पहले, तो बिफोर मोहन, इट मीन्स खाना, इट की सेकेंड फॉर्म एट फूड, बिफोर मोहन एट फूड, मोहन के खाना खाने से पहले राम हॉकी नहीं खेल चुका था, राम हैड नॉट प्लेड हॉकी बिफोर मोहन एट फूड। आगे जैसे देखते हैं, वर्षा होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुका था, तो उसे जब हमें करना है तो उसमें देखिए पहले के बाद में जो कुछ भी लिखा होगा उसे हमें करना है। पहले के बाद में क्या लिखा, वह घर नहीं पहुंच चुका था, तो उसे हमें करना है, तो वह ही हैड, चूंकि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ हैड लगाना है, तो ही हैड नॉट। रीच मीन्स पहुंचना, तो रीच्ड हाउस, हाउस या होम, He had not reached house. अब पहले के लिए before, before, अब वर्षा, वर्षा होने के लिए जान लीजिए समय पहाड़ दिन महीना वर्षा ऋतु,
इन सब के लिए क्या करते हैं, हम इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म रेन मीन्स वर्षा होना, तो इट रेंड, बिफोर इट रेंड, वर्षा होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुका था। आगे जैसे देखते हैं, उसके यहाँ आने से पहले मैं अपना काम नहीं समाप्त कर चुका था, उसके यहाँ आने से पहले मैं अपना काम नहीं समाप्त कर चुका था। तो इसे जब चेंज करेंगे, कौन अपना काम नहीं समाप्त कर चुका था, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, समाप्त करना, मैं क्या नहीं समाप्त कर चुका था, अपना काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसे जब चेंज करेंगे तो यानी सॉल्व करेंगे तो मैं, आई, सबके साथ क्या लगाना हेल्पिंग वर्ब, हैड, तो आई हैड नॉट समाप्त करना, फिनिश मीन समाप्त करना, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आई हैड नॉट फिनिश्ड। अब आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई वर्क, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब पहले के लिए लगाएंगे बिफोर, फिर क्या है, उसके यहाँ आने से पहले, तो बिफोर ही या सी, चूंकि क्लियर नहीं है कि लड़का आ रहा है या लड़की, ही या सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कम मीन्स आना, कम की सेकंड फॉर्म केम हियर, बिफोर ही केम हियर, ये हो गया पहले वाले। अब इन्हें करिएगा आगे की वीडियो में, फिर आपको बताएंगे कि बाद वालों का निगेटिव कैसे किया जाता है।